हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जो है कुछ इस तरह 3D इफेक्ट का एक लोगो डिज़ाइन कैसे बना सकते हो, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन के पिक्सल लैब एप्लीकेशन से। तो कैसे आपको बनाना है, कैसे क्या करना है, सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखोगे तो मैंने जो लोगो अपने पिक्सल लैब से ही बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ 3D इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा होगा, देख सकते हो। अगर आपको ऐसा लोगो बनाना नहीं आता है तो आप जो ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों पक्का यकीन मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो वीडियो देखने के बाद आप आसान तरीके से मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप जो इस तरह के लोगो देख के बना सकते हो, कौन सा तरीका है, कैसे आपको क्या क्या करना है इस लोगो को बनाने के लिए, उसके लिए बस आपको जो इस वीडियो को देखना है। यहाँ पर मैंने जो एक योर नेम का टेस्ट डाला हुआ है, जहाँ पर आप अपना कोई भी नाम लिख सकते हो एग्जाम्पल दिखाने के लिए। तो चलिए अभी इस लोगो को बनाना स्टार्ट करते हैं टाइम न लगाते हुए। तो यहाँ पर जैसे आप अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करोगे, स्टार्टिंग में आपको जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे फोर्थ ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कलर को सिलेक्ट करके अपने जो यहाँ पे कलर को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड में जो है यहाँ पे वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। ये जो आपका न्यू टेस्ट है इसका अभी काम नहीं है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन में जाना है, यहाँ से डिलीट कर देना है इसको, क्योंकि इसका काम जो अभी आपको नहीं पड़ेगा, इसका काम बाद में पड़ेगा, तो इसको आपको बाद में यूज करना है। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ इस तरह से सेट करने के बाद, यानी आपका बैकग्राउंड लेने के बाद, अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको इस प्लस का जो ऑप्शन यहाँ पे उस पर क्लिक करके शेप को सिलेक्ट करना है, आपके सामने एक शेप आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने शेप में कोई भी कलर दे देना है। तो एग्जांपल के दिखाने के लिए आप लोगों को मैं यहाँ पे जो है एक रेड कलर का शेप दे दिया हूँ। और शेप देने के बाद दोस्तों अभी आपको अपने शेप को कुछ इस तरह शेप बनाना है, और बनाने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर के साइड में ही एक रेडियस का ऑप्शन मिलेगा, जो आपको 0% पर रहेगा, उसको आपको यहाँ पर जो फुल कर देना है। जैसे ही आप फुल करते हो तो आपके सामने एक जो कुछ इस तरीके से शेप बन जाता है, यहाँ पर देख सकते हो। तो ऐसा ही शेप आपको बना लेना है, और यहाँ पे आपको जो भी इसमें कलर देना है वो कलर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे। तो एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है रेड कलर को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे ऊपर अभी आपको राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरह शेप बनाने के बाद, और इस शेप को कुछ इस तरह रोटेट कर लेना है। यहाँ पे आप जो इस ऑप्शन पे जाओगे थर्ड ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको रोटेट का एक ऑप्शन भी मिल जाता है, इस पर क्लिक करके देख सकते हो। मैंने इसको जो है -45 पे किया हुआ है, तो यहाँ पे जो मैं इसको 50 पे कर देता हूँ लगभग, और यहाँ मैंने इसको 50 पे सेट कर दिया हुआ है। सेट करने के बाद अभी आपको ऊपर राइट का जो ऑप्शन देख रहे हो वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने से पहले आप जो इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से छोटा कर लिया हुआ मैंने। और अभी आपको जो ये आपका शेप है, इसी शेप का आपको एक कॉपी ले लेना है, और इसी को आपको जो है आपको जो पहला वाला शेप है -50 में रोटेट है, तो इसको आपको जो है +50 में रोटेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको चले जाना है अपने इस रोटेट के ऑप्शन पे, इसको +50 में लेके जाना है। कुछ इस तरीके से मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो इसको मैं एक एक करके बढ़ाता हूँ अभी, तभी मेरा सही से होगा। यहाँ पर मैंने 50 कर दिया है प्लस में, ऊपर मैं राइट का ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, मेरा ये भी शेप बन चुका है। और अभी अपने इस शेप को कुछ इस तरह इसी के ऊपर आपको ला के यहाँ पर सेट करना है, इसके लेबल में ही मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए अलग से कोई शेप बना के ऐड किया गया है। तो मेरा ये जो ए बी शेप यहाँ पे ऐड करके हो चुका है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखोगे आपका जो ये दोनों शेप यहाँ तो बन के तैयार हो चुका है, अभी आपका ये लेकिन 3D में नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको 3D में करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, अभी आपको यहाँ पे जो है एक प्लस का ऑप्शन पर क्लिक करके एक जो शेप लेना है स्क्वायर बॉक्स का, शेप लेने के बाद यहाँ से आपको इसको यहाँ पे कुछ इस तरह सेट करना है, यहाँ से आपको साइज़ कम करना है, यानी कि इसके बीच में जो आपको यहाँ पे बचा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है उसके लेवल में ही आपको यहाँ पे जो एक शेप बनाना है कुछ इस तरीके से। शेप को बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको चले जाना है ग्रेडियंट कलर के ऑप्शन पे, और जाने के बाद प्लस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आपको सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से जो कलर दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको जो ये थर्ड वाला देख रहे हो आप, वो इसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद ये जो कलर का ऑप्शन है आपको इसको सिलेक्ट करके कलर के ऑप्शन पर जाना है, कलर पिक के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपने जो ये लिया हुआ इस शेप वाले कलर को यहाँ पे लेना है क्लिक करके, और आपको ऊपर राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको इसी शेप का एक डार्क कलर बना लेना है यहाँ से कुछ इस तरह इसको बीच में ला के, और यहाँ पे आपको नीचे ओके का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे क्लिक कर देना है। इतना काम करते आपके सामने को इस तरीके से कलर आ जाएगा। और यहाँ पर अभी आपको जो ए वाला कलर दिख रहा है उसको सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पर आना है, और इसमें आपको जो नीचे वाला कलर इसको आपको स्टार्ट पर लगे यानी 0 पर ला के कर देना है, और नीचे आपको ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और नीचे यहाँ से आप ओके का ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके जो ए शेप है इसमें आपको कुछ इस तरीके से कलर आपका दिखाई देगा। ऊपर आपको राइट का जो ऑप्शन देख रहे हो वहाँ पे क्लिक कर देना है, आपके इसमें कुछ इस तरीके से कलर आ जाएगा। इस कलर को आपको यहाँ पे लाके सेट करना है। यहाँ पे दोस्तों सेट करने से पहले यहाँ पे आपको चले जाना है जो एडिट के ऑप्शन पे, और जाने के बाद प्लस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इसको थोड़ा सा आगे रखना है, और ऊपर आपको राइट का जो ऑप्शन है वहाँ पे ओके का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऊपर अभी आपको राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद इसको सिलेक्ट करके क्रॉप के ऑप्शन पे आना, आपको ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हो इसको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है, और आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका जो शेप आ जाएगा।
और अभी आपको यहाँ पे जूम कर लेना है, आपका जो शेप आपका जो यहाँ पे जो ये शेप है इसके साइज के जितने यहाँ पे जूम कर लेना है, और ये जो आपका शेप आपने बनाया हुआ इसको आपको यहाँ पे लाना है, और यहाँ पे आपका जो ये शेप है इसके लेवल में आपको यहाँ पे लाके सेट करना है। एक काम चाहे तो आप इस साइड वाले शेप में भी सेट कर सकते हो ऐसे कुछ इस तरीके से, या तो आप जो यहाँ पे इसके इस साइड भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे चलिए मैं इसके लेवल में पहले इसको मैच कर लेता हूँ यहाँ से कुछ इस तरीके से। तो यहाँ में लगभग मेरा मैच हो गया है। तो यहाँ पे अभी इसका साइज मुझे थोड़ा सा छोटा करना होगा, और यहाँ पे इसको मैं लेबल करता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा जो लगभग लेबल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस साइड से साइज कम करके नीचे थोड़ा बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखता हूँ साइज को मैं। और यहाँ पे अभी देखोगे तो मेरा कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको अभी ऐसा करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसके लेवल में आपको सेट कर लेना है जो आपका कोना वाला पार्ट है, यानी आपको जो ए वाला शेप है इसके लेवल में आपको जो दिखना चाहिए तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे जो इसको सेट करना है। तो थोड़ा सा आप इसको और ऊपर ले लीजिए कुछ इस तरीके से। तो अभी देखते हैं, अभी लगभग ठीक लग रहा है। इसको अभी हम छोटा करते हैं साइज़ का, और साइज छोटा करने के बाद दोस्तों अभी आपको अपने इस शेप को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको चले आना है जो है मास्क के ऑप्शन पे, और आने के बाद आपको जो कुछ इस तरीके से शेप दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जो अपने इस ऑप्शन को क्लिक करके इनेबल करना है। यहाँ पे आपको आउट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको जो ई वाला एरो है इसको आपको यहाँ पर लाना है, और इस एरो को आपको यहाँ पर ला के कुछ इस तरीके से इसका जो साइज़ बढ़ा लेना है। और बढ़ाने के बाद ये जो आपका पॉइंट आपको यहाँ पर मिलता है, इस पॉइंट को आपको यहाँ पर जो है इसको रोटेट करना है कुछ इस तरीके से, यानी कट करना है साइज़ इसका आपको कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से करके आपको ऐसा कट करना है सर्कल टाइप में, जैसे आपका कर्व टाइप में शेप डिज़ाइन होता है वैसे आपको यहाँ पे कट करना है। तो यहाँ पर चलिए मैं कट कर लेता हूँ इसको। तभी आपको जो यहाँ पे कट करने के बाद ही आपको जो 3D इफेक्ट आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको जो लगभग कट के लिए मेरा यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं शेप बना है। यहाँ पे आप अच्छे से काम कीजिएगा ताकि आपको जो शेप यहाँ पे अच्छे से बने। और मैं अभी ऊपर राइट का जो ऑप्शन वहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो मेरा अभी यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिख रहा है अच्छे से। यहाँ पहले मैं इसको चलिए अच्छे से सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं मास्क के ऑप्शन पर जाता हूँ, इसको मैं वापस से जो है 3D इफेक्ट में ट्राई करता हूँ बनाने का, यानी शैडो देना ट्राई करता हूँ वापस से, ताकि मेरा यहाँ पर जो अच्छी तरह से बन जाए और अच्छी तरह से दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं इसको पहले स्ट्रेट में रखूँगा यहाँ से, और इसको थोड़ा सा लेवल में रखता हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं ऐसा कर्व कर देता हूँ यहाँ से कुछ इस तरीके से, और इसको मैं पास में लाता हूँ इसके इसके इधर से थोड़ा सा कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और अभी मैं यहाँ पे ऊपर राइट का जो ऑप्शन वहाँ पर क्लिक करता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाके सेट कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो आपको जो 3D में बिल्कुल 3D में देखने के लिए मिल गया होगा। देख सकते हो मेरा एक यहाँ पे 3D डिज़ाइन का लोगो यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे दोस्तों इसी तरीके से आप कोई भी शेप का जो 3D इफेक्ट बना सकते हो। और बनाने के बाद यहाँ पर आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, नीचे छोटे से सर्कल पर क्लिक करके तीनों लेयर के साथ सिलेक्ट करके थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और अपने इस शेप का साइज छोटा करना है, इसको रोटेट कर देना है कुछ इस तरीके से। इसी का आपको कॉपी लेना है, यहाँ पे आपको चले आना है कलर फिल्टर के ऑप्शन पे, हु को थोड़ा सा बढ़ाना है। जैसे आप बढ़ाओगे तो आपके इसमें जो कोई दूसरा कलर ऐड हो जाएगा, और कलर ऐड होने के बाद ऊपर आपको राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करना है, और इसका एंगल आपको कुछ इस तरीके से रख रहा है। ऐसे आपको चार जो शेप डिज़ाइन बना लेना है कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे तीन को लग बना लिया, तीसरा मैं यहाँ पे आपको सेट करने जा रहा हूँ। तो इसका भी कलर मैं यहाँ पे कलर फिल्टर के ऑप्शन में जाके इसमें मैं कोई दूसरा कलर डाल देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको इसका कलर चेंज करने के बाद यहाँ पे आप जो अपना ह्यू ब्राइटनेस जैसा भी आपको करना है सेट कर लीजिए। ऊपर अभी आपको राइट का जो ऑप्शन वहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका ये भी बन चुका है, इसी का आपको एक और कॉपी ले लेना है, इसको आपको रोटेट करना है कुछ इस तरीके से, और इसको ला के आपको इस साइड में ला के सेट कर देना है। और यहाँ पर आपको जो चले जाना है कलर फिल्टर के ऑप्शन पर, इसमें आपको कोई दूसरा कलर डाल देना है। यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी कलर पसंद है। तो यहाँ पे जैसे मैं ये कलर को रखता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आप देखोगे तो मेरा जो लगभग 3D में कुछ इस तरीके से एक लोगो डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो इस लोगो के बारे में पूरा डिटेल में बताया हूँ, ताकि आप लोगों को जो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए ये जो लोगो कैसे बनाते हैं 3D इफेक्ट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपको लोगो बना के दिखा दिया। तो कुछ इस तरीके दोस्तों आप कोई भी 3D लोगो बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के पिक्सल एप्लीकेशन से। तो जाइए दोस्तों अभी बनाइए, चले वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।